आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सोयाबीन पालक की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी। सोयाबीन पालक बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। इसको आप घर में बहुत आसानी के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं। कैसे इसको बनाना है, तो सोयाबीन की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी पर इस तरह से नहीं बनाई होगी। आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले इसके लिए पालक ले लें। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक ली है और इसकी बहुत जो मोटी वाली डंडी होती है उसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे और सिर्फ पत्ते पत्ते हम लेंगे। पत्ते के पास में अगर थोड़ी सी पतली डंडी है तो वो आप ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 250 ग्राम पालक लेकर मैंने इस तरह से इनको तोड़कर रख लिया है, धोकर रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको हल्का सा ब्लांच करना है, हल्का सा एक तरह से आप बोल सकते हैं कुक करना है। इसके लिए आधा कप पानी लिया है मैंने एक भगोने में और इसमें हम पालक डाल देंगे। इसके बाद में ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारी पालक बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी पकती है, क्योंकि पत्तेदार जो भी सब्जियां होती हैं उनके अंदर खुद ही पानी होता है। तो थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लेंगे, तुरंत उबल जाएगा। ठंडा करने के बाद में मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका इस तरह से पेस्ट बना लें। तो स्पिनच प्यूरी हमारे बनकर तैयार है, इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम सोयाबीन पालक बना रहे हैं, तो सोयाबीन ली है जिसको कि सोया चंक्स और नगेट्स भी बोलते हैं। तो मैंने 1 कप सोयाबीन ली है। इसको हम क्या करेंगे, खोलते हुए गर्म पानी में डालकर रखेंगे लगभग 20 मिनट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हमें इसको भिगाना है 20 मिनट के लिए ताकि जो सोयाबीन है अच्छे से सोक होकर फूल जाए। तो आप चाहे तो इनको डायरेक्टली भी गैस पर बॉयल कर सकते हैं पानी में, पर यहाँ पर मैंने इसको गर्म पानी में इस तरह से डाल दिया था। 20 मिनट के बाद में देखिए अच्छे से सोयाबीन हमारी फूल चुकी है, तो इसका पानी इस तरह से निचोड़ देंगे और सारे सोयाबीन में से पानी को निकाल निकाल कर इनको हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद में हम ग्रेवी बनाएंगे और सोयाबीन की सब्जी पालक के साथ बनाकर रेडी करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सोयाबीन को हमें थोड़ा सा सौते करना है। सौते करने से क्या होता है, हमारी जो सोयाबीन है उसमें जो गिजीजापन होता है, कच्चापन होता है, जब आप उसको खाते हैं आपके दांतों के बीच में आता है। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनको एक नॉनवेज वाली फीलिंग आती है, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है। तो उसको स्किप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप उसको थोड़ा सा इस तरह से 1-2 चम्मच तेल में अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट सौते कर लीजिए। जब इसमें सब तरफ से कलर आ जाएगा इसके बाद में इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए सोयाबीन फ्राई हो चुकी है। अब सेम कढ़ाई का हम यूज़ करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल ले लें, सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल लेंगे तो सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तेल को गर्म करके 1/2 चम्मच जीरा डालकर चटका लेंगे। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 घिसी हुई प्याज। मैंने यहाँ पर प्याज को कद्दूकस करके डाला है, आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो प्याज को हमें भूनना है लगातार चलाते हुए, मीडियम फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ढाबे वाली स्टाइल में बिल्कुल कटा हुआ, क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली। तो ढाबे में फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो अदरक होता है, लहसुन होता है और हरी मिर्च होती है उसको कूट कर वो लोग ऐड करते हैं। या तो उसको सिल पर थोड़ा सा कूट लेते हैं, मसल लेते हैं, या फिर उसको मोर्टार एंड पैसल, जो कि जिसको कि आपके घर में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन खल्लड़ मूसर बोला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कूट लेते हैं, उसके बाद में डालते हैं। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी थोड़ा सा एक तरह से चलाकर डाल सकते हैं। इसका स्वाद जो आता है ना फ्रेंड्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड, किसी चीज़ का नहीं आता। जो फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट इस तरह से थोड़ा सा पाउंड करके आप डालेंगे तो उसका टेस्ट तो बहुत ही अल्टीमेट आता है। भून लीजिए अच्छे से प्याज, जब अच्छे से भुन जाएगी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सभी कुछ भुन जाएगा, इसके बाद में 1 कटा हुआ टमाटर डालकर मिक्स कर लें। साथ ही नमक भी डाल दें, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल दिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। तो टमाटर को बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है, हल्का सा बस सॉफ्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी, जो भी आपके पास हो। आप चाहें तो 2 टमाटर ले लें मीडियम साइज के और उसको मिक्सी के जार में डालकर प्यूरे कर लें, यानी कि उसका पेस्ट बना लें और उसके बाद डाल दें। मेरे पास यहाँ पर घर की बनी हुई टोमेटो प्यूरी थी तो वो मैंने डाली है। टोमेटो प्यूरी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। बनी हुई टोमेटो प्यूरी आपके फ्रिज में रखी रहेगी तो आपका काम बहुत जल्दी होता है, बहुत आसान हो जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में टोमेटो पेस्ट को अच्छे से पकाने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया सोयाबीन जिसको हमने फ्राई करके रखा था। साथ ही सूखे मसाले भी साथ साथ डाल देंगे। तो 1/2 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर डाला है, सिर्फ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, कश्मीरी मिर्च डाली है मैंने, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी इससे। और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे, हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसको।
दो मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तो ज़रूरत के अनुसार पानी ऐड कर दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद है तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप पानी डाला है और अच्छे से मिला लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो हमारी रेसिपी है, यहाँ पर तो हमने सोयाबीन की सब्जी बनाकर रेडी की है। तो इस तरह से सोया चंक्स करी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छे से पकाने के बाद में आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सोयाबीन की सब्जी बनाकर देखें। अब अगर आपको पालक की ग्रेवी के साथ खानी है तो पालक की स्पिनच की प्यूरी जो हमने बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो स्पिनच प्यूरी पहले से पकी हुई होती है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डेलिकेट होते हैं पत्ते। हमने उसको थोड़ा सा ब्लांच कर लिया, थोड़ा सा कुक कर लिया, हमारा पेस्ट पक कर तैयार है। अब हमने इसको सोयाबीन की सब्जी में डाल दिया। इसको हम 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, ऑयल भी निकल कर बाहर आ जाएगा, सब्जी भी अच्छे से सारी चीज़ों के साथ रच बस जाएगी। मिक्स होने के बाद में इसका एरोमा सब कुछ मिल जाएगा। तो पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। और बस यहाँ पर हमारी सोयाबीन पालक की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको ढककर थोड़ी देर आप पका लेंगे तो आपकी सब्जी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा कुक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी सोयाबीन पालक की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। सोया पालक करी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको इसी तरह से बनाकर देखें आप। देखिए बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम समय में हमने इसको बनाया है। आप इसी तरह से बनाएंगे तो उंगलियाँ चाट जाएंगी, बहुत पसंद आएगी आपको। तो ढाबा स्टाइल पालक की सब्जी है ये, ढाबा स्टाइल सोया की सब्जी बोल सकते हैं, सोयाबीन की सब्जी। तो बनाकर अपने घर में ज़रूर देखें, अपनी किचन में। रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत डिटेल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको बनाइए, बहुत पसंद आएगी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खुशबूदार रेसिपी है। तो बनाकर देखिए मेरी ये सोया पालक की सब्जी, सोया पालक करी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय।